क्या बताऊं, मेरा जहां दूसरे मुल्क में फंस गया है वहां का तो किराया दे दिया पर टैक्स देने के मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। तो किसी से उधार क्यों नहीं ले लेते? किससे उधार लूं? क्यों ना तुम ही मुझे उधार दे देते? हाँ, मैं तुम्हें उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पैसों के लेन देन का नियम बहुत सख्त है। और एक बार, मैं किसी पर भी दया नहीं करता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया करके मेरी इस दुखी घड़ी में मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, मैं तुम्हारे सारे पैसे सूद समेत समय पर लौटा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें मेरी एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। तो कल मैं इसी वक्त तुम्हारे पास अपना एग्रीमेंट लेकर आऊंगा। अगर तुम्हें मंजूर होगा तो तुम उस पे साइन कर देना। अच्छा तो एंटोनियो, ये रहा मेरा एग्रीमेंट, तुम एक बार पढ़कर देख लो। नहीं, मुझे ये एग्रीमेंट नहीं पढ़ना, मुझे सब मंजूर है। तुम नहीं पढ़ते हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। इस एग्रीमेंट के अनुसार मैं तुम्हें आज 50,000 रुपए दे रहा हूँ। एक आज से ठीक एक महीने बाद मुझे मेरे पैसे सूद समेत चुका दोगे। अगर किसी भी कारणवश तुम ये पैसे देने में असमर्थ रहे तो तुम्हारे शरीर का 500 ग्राम मांस काट लिया जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, लो मैं यहाँ पर साइन कर देता हूँ, तुम भी यहाँ पर साइन कर दो। ये लो पूरे 50,000 रुपए नगद। हेलो, क्या मेरा जहाज डूब गया? एंटोनियो, तुम्हें याद तो है ना कि कल तुम्हें मेरे सारे पैसे सूद समेत चुकाने हैं। मुझे माफ कर दो साइलॉग, मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरा जहाज डूब गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी संपत्ति डूब गई। मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दुगने सूद के साथ लौटा दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकता, मैं हमेशा एग्रीमेंट के साथ चलता हूँ। अगर तुम मेरे पैसे समय पर नहीं दे सकते तो शरीर का 500 ग्राम मांस देना ही होगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पे दया करो, मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दो। ठीक है, तो तुम नहीं मानोगे तो इसका फैसला कोर्ट में ही होगा, कल कोर्ट में पहुंच जाना। हेलो ओशिया, क्या हुआ भैया? मैं बहुत परेशानी में हूँ, तुम मेरी आवाज़ आखिरी बार सुन लो, क्योंकि कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुँच गई। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताओ बहन, मेरा जहाज दूसरे मुल्क में फंस गया था, वहाँ का तो किराया दे दिया था पर टैक्स देने के मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। इस मैंने एक इंसान से पैसे उधार लिए थे, मेरा जहाज तो डूब गया। कल वह आया था और वह मुझसे बड़ी निर्दयता से पैसे मांग रहा था, मैंने उसे समझाने की कोशिश की तब भी वह नहीं माना, उसने मुझे कल कोर्ट में बुलाया है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए भैया, कल आप कोर्ट में जाइए, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आपको बचा लूँगी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। टोनियो ने अपने व्यापार संबंधित किसी कार्य के लिए साइलोग से 50,000 रुपए उधार लिया था, जिसके फलस्वरूप इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें यह लिखा था कि अगर एंटोनियो ने समय पर साइलोग का 50,000 रुपए उसे समय पर नहीं लौटा पाता है तो उसे अपने शरीर का 500 ग्राम मार्ट कर देना होगा। जज साहब, मैं एंटोनियो से कुछ सवाल पूछने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सवाल कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। एंटोनियो, क्या साइलोक ने तुमसे इस एग्रीमेंट पर जबरदस्ती साइन करवाया था? नहीं वकील साहिबा।
क्या इस एग्रीमेंट पर आपने खुशी खुशी सही किया था? जी हाँ जज साहब, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। तो साइनक तो कुछ गलत नहीं कर रहा है, एंटोनियो को अपने शरीर का मांस देना ही चाहिए। क्या तुम्हारे जज से कोई वकील नहीं है? जी नहीं। तो जज साहब, कोर्ट का वक्त जाया ना करते हुए जल्द से जल्द अपना फैसला सुना दीजिए। सारे सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि कोर्ट के कार्य में दखल देने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये रहा मेरा वकालतनामा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एंटोनियो के केस की पैरवी करना चाहती हूँ। इजाजत है? मैं साइलॉग से कुछ सवाल पूछने की अनुमति चाहती हूँ। नहीं, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। नहीं, मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी। रुकी वकील हूँ, तुमसे जो पूछना है मुझसे पूछिए। ऑर्डर ऑर्डर, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप अपनी सवाल पूछ सकती हैं। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो साइलॉग, आप दोनों के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ था? यही कि अगर वो मेरे पैसे टाइम पर मुझे नहीं चुका पाता है तो वो अपने शरीर का 500 ग्राम हिस्सा मांस काट कर मुझे देगा। क्या वो एग्रीमेंट में देख सकती हूँ? एंटोनियो, क्या वो यही एग्रीमेंट है? हाँ, यह वही एग्रीमेंट है। साइलॉग, मैं इस बड़ी अदालत में आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप इतना निर्दय मत बनिए, एंटोनियो को कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। नहीं, मैं मोहलत नहीं दे सकता। मैं हमेशा एग्रीमेंट के साथ चलता हूँ, और एग्रीमेंट में अगर ये लिखा है कि वो मेरे पैसे समय पर नहीं चुका पाता है तो उसे अपना मान तो उसे अपने शरीर का 500 ग्राम हिस्सा काट कर मुझे देना होगा, तो देना ही होगा। साइलॉग, तुम सही कह रहे हो। अगर इस एग्रीमेंट पर लिखा है कि पैसे के बदले मांस चाहिए तो मांस ही लेना। ये लो चाकू और काट लो एंटोनियो के शरीर से 500 ग्राम मांस। क्या हुआ वकील साहिबा? ध्यान रखना, मांस ही काटना चाहिए, एक बूंद भी खून का नहीं ना चाहिए। ये क्या कह रही है वकील साहिबा? मैं इसका शरीर काटूंगा तो खून तो निकलेगा ही। तुम एग्रीमेंट के साथ चल रहे हो तो मैं भी एग्रीमेंट के साथ ही चल रही हूँ। एग्रीमेंट में खून की बात कहीं नहीं कही गई है। मांस काटते समय एंटोनियो के शरीर से एक बूंद भी खून निकला तो तुम्हारे शरीर से उसका दो गुना खून निकाला जाएगा। जज साहब, मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाह रही हैं। अब मुझे एंटोनियो का मांस नहीं चाहिए, अब आप मेरे पैसे ही मुझे दिला दी। नहीं, पैसा तो जहाज के साथ ही रुक गया, अब तुम्हें मांस ही लेना पड़ेगा। ये क्या जज साहब, मेरा पैसा मुझी को नहीं मिल रहा है, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप न्याय कीजिए। जज साहब, तुम ही ने तो यह एग्रीमेंट बनाया था, अब रुक दो। जज साहब, इस निर्दय को इस शहर से निकाल देना चाहिए। सारे सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि एंटोनियो को बाई जात रिहा किया जाए और साइलॉग को शहर से निकाल दिया जाए। इस जैसा निर्दय का इस शहर में कोई काम नहीं। द कोर्ट इज एडजर्न। धन्यवाद कोचिया, अगर तुम यहाँ पे ना होती तो मैं यहाँ पे जिंदा खड़ा ना होता। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया।